आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल प्रदीप टेक्निकल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। उससे होगा ये, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगा। दोस्तों, फ़िल्टर तो आप सभी यूज़ करते ही होंगे, चाहे वो फिर एक्वागार्ड का हो या कोई भी कंपनी का हो। तो उसमें होता क्या है कि जो वाटर फिल्टर है तो उसमें एक साल के बाद जो उसके फ़िल्टर होते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन हो गया, प्री फिल्टर हो गया, और जो सेडिमेंट फिल्टर होता है, कार्बन फिल्टर होता है, उसे चेंज करना पड़ता है। उसको एक साल बाद उसे चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि एक साल के बाद जो वो जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो उसमें से जो पानी होता है वो फिर गंदा आने लगता है, या वो ढंग से उसे साफ़ नहीं कर पाता है, या फिर जो हमारा पानी का फ़्लो है, जो प्योर पानी आता है पीने के लिए, वो जो पानी है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, वो पानी बूंद बूंद करके आता है। तो अगर आपके फ़िल्टर में भी इसी तरह की कोई समस्या आ रही हो, या आपने एक साल हो गया हो और आपने अपने जो फ़िल्टर है, या जो आपका फ़िल्टर है वो आपने जो उसका प्री फिल्टर है या दूसरे भी जो फ़िल्टर है, मेम्ब्रेन वगैरह, अगर चेंज नहीं कर रहा है, तो आप उसे चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको फिर जो पानी की क्वालिटी है वो बेहतर आएगी, क्योंकि वो जो मैक्सिमम में एक साल तक ही चल सकते हैं जो फ़िल्टर होते हैं, जो मेम्ब्रेन है। अगर अच्छी क्वालिटी का पानी आता है, जो अगर अच्छा पानी आता है, आप ज़्यादा गंदा पानी नहीं आता आपके घर में, तो वो एक साल तक ही चल सकता है, उसके बाद उसे चेंज करना पड़ता है। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम जो फ़िल्टर वाला होता है, जो फ़िल्टर को जो फ़िल्टर चेंज करता है, जो आते हैं रिपेयर करने आते हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं और हम उन्हें डबल पैसे में वो काम करवाते हैं, जो कि हम उसके आधे पैसे में वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, वो आधे पैसे में वो काम कैसे कर सकते हैं, आप जो फ़िल्टर है वो खुद भी आप मंगा करके खुद आप लगा सकते हैं। आपने सिर्फ पाइप की फ़िटिंग करनी है। वो आप किस तरह से, जब आप पहली बार निकाल रहे हो पाइप को, तो उसका फ़ोटो खींच लो और जो फ़िल्टर आपने ला रखे जिस जिस तरह से पहले लगे हुए थे उसी तरह से वापस सेट कर सकते हैं। आप अगर मंगाते हो, आप भी कहीं से फ़िल्टर मंगाते हो, जैसे कि आप अगर दुकान से लेंगे तो हो सकता है वहाँ आपको महंगा पड़ जाए, तो मैं सजेशन करूँगा आपको कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ़िल्टर की जो सारी किट है, जितने भी फ़िल्टर होते हैं उसकी एक किट आ जाती है, तो आपको बहुत सस्ते में पड़ जाएगा और आप उसे खुद ही लगाइएगा। मैं तो कहता हूँ आप खुद ही लगाइएगा उसे, जिससे बढ़िया कि आप किसी को बुला करके उसे फिट करवाएंगे और आपसे डबल पैसे ले लेगा उसे लगाने के। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी, और उतना कठिन काम भी नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। आसान काम है, आपको पाइप पे तो फिट करना है। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने यूट्यूब में इस तरह की वीडियो देखी होगी कि मेम्ब्रेन को निकाल करके अगर उसमें से पानी का फ्लो कम हो रहा है, या मेम्ब्रेन से पानी का फ़्लो नहीं आ रहा है, तो मेम्ब्रेन को निकाल के उसके खोल करके उसकी धो करके उसकी धुलाई करके ढंग से फिर वापस फिट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो उस मेम्ब्रेन का फ़ायदा ही क्या रहा फिर, जब आप उसे धो करके दोबारा फिट करेंगे। इसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक चलेगा, तो मैक्सिमम एक साल होता है जो कि सभी जितना यूज़ करते हैं। एक साल बाद ये खुद ही पानी का फ्लो कम हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि पानी गंदा आ रहा हो, उसमें मीठापन ना हो पानी में, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि फिर अब हमें मेम्ब्रेन चेंज करनी है, और या कि सारी फ़िल्टर जो है वो चेंज करने हैं। तो जो आप YouTube में ऐसे वीडियो देखते हैं कि आप धो करके उसे वापस यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तो करूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इससे आपका जो है फ़िल्टर ख़राब हो सकता है। इससे जो आपका वाटर प्योरीफायर है उसकी जो मोटर है उसके ऊपर लोड पड़ेगा, और हो सकता है कि आपकी मोटर ख़राब हो जाए। तो ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऐसा तो आप मत करिएगा। आप जब एक साल हो जाए, आपको लगे कि ये फ़िल्टर अब हमें चेंज करवाने हैं, तो आप एक साल बाद उसे खुद ही मंगवा करके ऑनलाइन से, या जहाँ भी आपको सही पड़ता हो वहाँ से मंगा करके आप उन्हें खुद ही फिट कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में एक्वागार्ड की जो फ़िल्टर किट है उसकी जो अनबॉक्सिंग करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मंगाया मैंने, ये मेरे को ऑनलाइन पड़ा था 1199 का सारी किट जो है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अभी दिखाऊंगा मैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए इसे देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों, सबसे पहले जो हमें मिलता है इसमें वो मिलता है ये दोस्तों, ये है प्री कार्बन फिल्टर। इसमें
क्लोरीन और अदर ऑर्गेनिक कुछ मिलाया जाता है इसमें, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि पानी की क्वालिटी है वो बेहतर होती है। तो एक ये है कार्बन फिल्टर, ये अगर आप सिंगल लेंगे तो आपको 100 से 150 रुपये तक का पड़ेगा, अगर आप इसे सिंगल एक ही लेंगे। और ये कार्बन फिल्टर हो गया, और दूसरा है, दूसरा ये हो गया आपका सेडिमेंट फिल्टर। कार्बन फिल्टर ये है सेडिमेंट फिल्टर, इसकी कीमत भी ये दोनों की जो कीमत है वो बराबर ही रहती है, 100 से 150 रुपये तक की आपकी पड़ जाएगी अगर आप इसे सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं। और जो इसमें तीसरा होता है, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो यही सबसे महंगा पार्ट है, जो है ये सबसे महंगा पार्ट है, इसकी कीमत अगर आप अच्छा सा लेना चाहें तो मैक्सिमम आप 750 या 800 तक का मिल जाएगा मैक्सिमम, अगर लेंगे आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो। ये है, ये इसमें महंगा मिलता है, इसको बोलते हैं मैमब्रेन, ये है मैमब्रेन। इसमें जब फिल्टर में से पानी चेंज होकर आता है, छन कर आता है, तो सबसे लास्ट में यहाँ से फिर इस यहाँ से जाता है वो यूबी में, और वहाँ से फिर सीधा हमारे टैंक में जाता है पानी। तो ये सबसे महंगा पार्ट यही आता है जो फिल्टर का है। और दोस्तों जो मेन होता है ये, इसे कहते हैं प्री फिल्टर, जो सबसे पहला फिल्टर है जिसमें से होकर के पानी जाता है छन करके, सबसे पहला फिल्टर होता है ये, इसे कहते हैं प्री फिल्टर। ये आपने देखा होगा जो आपका आरओ होगा उसके बगल में रहता है साइड में कनेक्शन, जहाँ से कनेक्शन होता है, तो ये वहाँ लगा रहता है। ये चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही गंदा होगा, अगर इसी में से पानी ढंग से छन के नहीं आएगा, तो ये बाकी फ़िल्टर भी ख़राब हो सकते हैं आपके। तो आपको ये चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है जब आप चेंज करते हो कभी भी अपने फ़िल्टर को, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसे भी चेंज कर लीजिएगा। और इसकी जो कॉस्ट बोलें तो ये 60-70 रुपये का भी मिल जाता है, और मैक्सिमम अगर मिलेगा तो 100 रुपये का मिलेगा ये भी। और बाकी एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ ये TDS दिया हुआ है, आप इससे पानी के लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपका पानी का जो TDS लेवल है वो कितना है। और इसमें एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ कि आप किस किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो आप इस यूज़र मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसमें, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ उन्होंने, ये एक्स्ट्रा पाइप दिया हुआ, अगर आपका पाइप हो सकता है कहीं से अगर टूट गया हो या ख़राब हो गया हो, तो वैसे आसानी से ये पाइप ख़राब होता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कभी आपका कोई पाइप टूट रखा हो तो आप ये पाइप यूज़ कर सकते हो, ये पाइप। बाकी ये नल वगैरह दे रखा, ये जो आपका टैंक है उसमें लगाने के लिए नल दिया हुआ है। बाकी ये, और ये फ्लोर इंस्ट्रक्टर, कोई भी किट खरीदेंगे तो ये भी मिल जाता है। दोस्तों ये जो सारे फिल्टर हैं आपको किस तरह से फिट करने हैं, ये मैं अभी आपको सब करके बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। ये फ्लोर इंस्ट्रक्टर भी इसी के साथ मिल जाएगा, और बाकी कुछ लॉक दे रखे हैं इन्होंने, अगर आपका कोई लॉक ख़राब हो रखा हो तो आप इस लॉक के यूज़ कर सकते हैं, और ये टेप है। तो बाकी इसको रखते हैं साइड में। तो ये सारे फिल्टर हैं, आपको सबसे पहला फिल्टर है ये प्री कार्बन फिल्टर, दूसरा फिल्टर सेडिमेंट फिल्टर, और जो ये जो सबसे महंगा पार्ट मिलता है फिल्टर का, ये मेम्ब्रेन, और ये प्री फिल्टर जो सबसे पहले आपको फिल्टर जहाँ से पानी छन कर जाता है, और TDS दे रखा है, और ये नल जो आपको टंकी में अगर आपके पास नहीं है तो ये एक्स्ट्रा, ये जो है ये एक्स्ट्रा दे रखा है इन्होंने, ये एक्स्ट्रा सामान है। हमारा जो मेन यूज़ है वो बस ये है, बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करिए। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये मेरे को 1199 का पड़ा सारा जो सामान है। तो दोस्तों अगर आप भी फ़िल्टर चेंज करना चाहते हो अपना, तो आप इस किट को मंगा करके आप इनको जो है वो खुद फिट कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसे आप जो फिट करने वाले को देंगे वो आप के बच जाएंगे। दोस्तों जब भी कोई आपके, मान के चलो आपका मेम्ब्रेन ख़राब हो रखा है, तो अगर मेम्ब्रेन आप चेंज करते हो तो ये दो फिल्टर भी आप चेंज ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इन दो फिल्टर को चेंज नहीं करेंगे तो जो ये मेम्ब्रेन है ये भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें से गंदा पानी इसमें आएगा तो ये फिर जल्दी ही आपका ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए आपको ये दो फ़िल्टर चेंज करने ही हैं, और प्री फिल्टर जो है इसको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको ये फिट करना है। जो ये एक कनेक्शन आप खाली देख रहे होंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई, दोस्तों जो मेम्ब्रेन की जो हाउसिंग है उसे आप पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, अच्छी तरह से धो लें, और उसके अंदर फिर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से डालें और थोड़ा प्रेस करें ताकि वो अच्छे से बैठ जाए, और ऊपर से अच्छी तरह से जो उसका ढक्कन है वो टाइट कर दें, और तो जिस तरह से लगी हुई थी उसी तरह से वापस लगा दीजिएगा। जिस तरह से कनेक्शन लगे हुए थे वो उसी तरह से वापस फिट कर दीजिएगा, और जो आप देख रहे होंगे अपने लेफ्ट साइड जो मेम्ब्रेन में दो कनेक्शन है, एक तो जो आपका यूवी में जाएगा और दूसरा कनेक्शन जो आपका एग्जॉस्ट है, जो बाहर निकलेगा पानी, जो गंदा पानी है जो बाहर निकलता है, दूसरा कनेक्शन उसका है, ये आपका यूवी में जा रहा है। तो ये सारे कनेक्शन जो है हमारे फिट हो चुके हैं, और जो यूवी का निकाला था उसका लॉक वापस उसी तरह से लगा दीजिएगा, और वापस उससे लॉक पे लगा दीजिएगा वापस से, और दोस्तों जब आपका सारे फिल्टर रेडी हो जाते हैं फिर आपका जो ये साइड में प्री फिल्टर है जो आप हम भी खोल रहे हैं, ये इसे प्री फिल्टर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सबसे पहले पानी यहीं से आता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ये देखिए आप किस तरह से ये बिल्कुल काला हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से इसकी जो हाउसिंग है वो धो लीजिएगा, और धोने के बाद जो आपका नया फिल्टर है तभी आप इसमें लगाइएगा उसे। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, अब चलते हैं किस तरह से वापस इसे फिट करना है, देखिएगा आप। दोस्तों जब आप सारे फिल्टर फिट कर लेंगे उसके बाद जब आप फिल्टर को ऑन करेंगे तो आपको एक टैंक पूरा भरकर उसे खाली करना है, जो वो एक टैंक पूरा भरेगा उसका पानी आपको नहीं पीना है,
उस एक टैंक को खाली करने के बाद जब दोबारा से आपके जो फ़िल्टर की टंकी है वो पूरी भर जाएगी, उसके बाद आपको पानी पीना है। दूसरी वाली टंकी जो है, पहली टंकी आपको ऐसे ही पूरी भर देनी है और दूसरी टंकी जो है उसको पीने के लिए यूज़ करना है। पहली टंकी एक भर करके आपको उसे वैसे ही खाली कर देना है पूरी के पूरी। अब पानी को ऑन करके देखेंगे तो पानी जो है वो सही तरह से आ रहा है। पहले जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बूंद बूंद करके पानी आ रहा था। अब ये फ़िल्टर सारे चेंज करने के बाद अब पानी अच्छे तरीके से आ रहा है और अच्छी खासी मात्रा आ रही है पानी की। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने फ़िल्टर को खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, उससे होगा ये जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।